बुलडोजर के नाम से भी अब पहचाने जाने लगे हैं। लेकिन इस समय बुलडोजर का बोलबाला मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जो बुलडोजर यूपी में ज्यादा चलता था और वह इस समय मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आपको दरअसल बता दें कि नवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान मकानों से फेंके गए पत्थरों को लेकर यानी वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घरों पर बुलडोजर चलवा दिए और वह मलिनस्त कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का किस तरीके से बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। नजर डालते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खरगोन में मोहन टाकीज इलाके में दंगाइयों के मकान तोड़ने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इस घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन घरों से पथराव हुआ है उन्हें ही पत्थर का ढेर बनाएंगे। अब खरगोन में शांति है, वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। साथ ही कहा कि दंगाइयों की पहचान कर ली है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं। चौहान ने एक बयान में कहा, हमने सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली है, अधिनियम पारित किया है, हम अधिनियम के तहत एक दावा न्यायाधिकरण का गठन करे हैं और नुकसान का आकलन करने के बाद इसका वसूली भी दंगाइयों से की जाएगी। रामनवमी के जुलूस के दौरान इसी तरह की पथराव की घटनाएं बाड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे में सामने आई, जिसमें एक थाना प्रभारी और 5 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया और खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी के कार्यालय में जारी आदेश के अनुसार रविवार शाम की घटना के बाद में पूरे खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।